Students, now it's time to learn Urdu for us. And the Urdu में जो पढ़ना है वो है एक बहुत ही interesting story. अभी हम एक बहुत ज़्यादा interesting story पढ़ने जा रहे हैं और आपने मेरी बात गौर से सुनी है, आपने story गौर से सुनी है और story के second पे जो मैं आपसे questioning करूँगी, आपने उन questioning के answers मुझे अपनी video बना के और recording send करनी है. Okay, so let's start our story. और मैम क्या करने जा रही है, मैम इनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएगी. यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब मैम की तरफ बहुत गौर से देख रहे हैं, वो सब मैम की बात सुन रहे हैं. और ये जो स्टूडेंट है ये कौन है, इसका नाम है अली. सबका ध्यान मैम की तरफ है और वो मैम की बात गौर से सुन रहे हैं, लेकिन जो अली है वो मैम की बात नहीं सुन रहा गौर से और वो अपने ही कोई चीजों को देख रहे, कोई अपनी सोचे सोच रहे, ना कि वो मैम की बात. यहाँ पे मैम बच्चों को ये कहना चाह रही है कि आपने जो चीजें हैं इन सब को देख के मुझे बताएं कि क्लास में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल होती है. वन बाय वन वो स्टूडेंट को कहती है कि एक एक चीज के बारे में मुझे आप बताएं. एट द एंड ऑफ द लेक्चर टीचर जो भी है वो अपने स्टूडेंट से कहती है कि आप लोगों ने कल अपने अपने टॉयज ले लिया है और तुम्हें अपना फेवरेट टॉयज के बारे में आपने आके मुझे बताना है. ओके, लेकिन जो अली है वो मैम की बात सुन नहीं रहा, इसलिए उसको नहीं पता चला कि मैम ने क्या कहा. नेक्स्ट डे जब मैम सब स्टूडेंट्स को कहती है कि अब आप आए, आप मुझे अपने अपने टॉयज के बारे में बताएं, ये एक स्टूडेंट है, इसके पास क्या है, भालू. यस, वो अपने सबको भालू के बारे में बताता है. ये वाली गर्ल जिराफ लेके आती है, ये वाली गर्ल डिफरेंट टॉयज लेके आती है, शी इज हैविंग अ रैबिट. सो इस तरह से सब स्टूडेंट्स अपने अपने टॉयज लेके आते हैं. लेकिन लुक एट द अली, अली साइड पे खड़ा हुआ हुआ कुछ सोच रहा होता है, वो मैम की बात भी नहीं सुन रहा होता और वो नेक्स्ट डे के लिए कोई टॉयज भी नहीं ले रहा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अली कभी भी मैम की बात नहीं सुनता और वो बच्चों से बाकी स्टूडेंट से पीछे भी रह जाता है और उसके उसको कोई लेसन भी नहीं लर्न होता क्योंकि वो मैम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता. उसको पता भी नहीं चलता कि मैम क्लास में भी क्या कह रही है. नेक्स्ट फिर जब लंच टाइम होता है तो अली क्या करता है, अली लंच करता है, अपने बनाना का पेल यहाँ पे फेंक देता है, जूस का डिब्बा इधर फेंक देता है और भी जो कचरा है वो सारा फ्लोर पे फेंक देता है. जबकि जो मैम है अली को मना कर रही होती है कि यू आर नॉट सपोज्ड टू थ्रो द थिंग्स ऑन द फ्लोर, लेकिन जो अली है वो फिर से मैम की बात नहीं सुनता और वो सारा कचरा जमीन पे फेंक देता है. नेक्स्ट क्या होता है, जब अब अली अपनी सीट से उठता है क्योंकि उसने बनाना का पेल जमीन पे फेंकना हुआ था तो वो उससे फिसल के गिर जाता है. ठीक है, जब वो गिर जाता है उसके बाद मैम उसको साइड पे लेके जाती है, उसको समझाती है, उसको कहती है कि अली बेटा यू हैव टू लिसन टू द मैम, आपको मैम की बात गौर से सुननी चाहिए, आपको जो मैम कहती है आपको वो करना चाहिए. अगर आप मैम की बात नहीं कर सुनेंगे और ना ही करेंगे तो फिर आप ना ही तो क्लास में गुड मार्क्स ले सकेंगे और ना ही आपसे कोई हैप्पी होगा. अगर आपको गुड मार्क्स चाहिए आपने गुड मैनर्स शो करने पड़ेंगे तो इसी तरह से आप एक गुड बॉय बन सकोगे, अगर आप नहीं ऐसे करोगे तो आप बैड बॉय बन सकोगे. ठीक है, फिर अली को मैम की सारी बातें समझ आ जाती है. ओके, फिर अली क्या करता है, नेक्स्ट डे हर चीज करता है, वो मैम की बात गौर से सुनता है, लंच करने के बाद उसको उसकी जगह पे रखता है और फिर अली सारी चीजें काम फिनिश करने के बाद अपनी सारी चीजें एक बास्केट में रखता है. फिर वो अपना एक पैक लेके आता है, उसके पास तोता होता है और वो अपने सब फ्रेंड्स को तोते के बारे में बताता है. ठीक है, और फिर अली को मैम एक स्टार देती है. सो द पॉइंट इज, जब आप मैम की बात गौर से सुनते हैं तो मैम आपसे हैप्पी होती है और वो आपको स्टार्स देती है. अगर आप मैम की बात गौर से नहीं सुनते तो फिर मैम आपसे ना ही तो हैप्पी होती है और ना ही वो आपको स्टार देती है. क्या करना है कि अपने ये बुक के साथ
मुझे स्टोरी बतानी है कि यहाँ पे कौन से वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, कौन से वाले पेज पे क्या हो रहा है, और जो आंसर्स मैं आपसे पूछूंगी वो आपने मुझे बताना है. लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर में अली क्या कर रहा है और अली कहाँ पे देख रहा है. आपने मुझे बताना है कि अली क्या कर रहा है, अली कहाँ पे देख रहा है. ओके, इस वाली पिक्चर में आपने मुझे बताना है कि अली ने जो कचरा था सारा वो कहाँ पे फेंक दिया और टीचर अली को क्या समझाती है. यहाँ पे आपने मुझे बताना है कि टीचर ने अली को क्या समझाया है. ओके, और फिर आपने मुझे बताना है कि अली टीचर की बात कैसे सुनता है, अली अपने खिलौने क्यों नहीं लेके आया था, टीचर ने खाली डिब्बे और छिलके कहाँ फेंकने के लिए कहा था, और अली को गौर से बात ना सुनने का क्या नुकसान हुआ. उसके बाद आपने मुझे बताना है क्या आप टीचर और बड़ों की बात गौर से सुनते हैं, और इसके लास्ट में आपने मुझे बताना है कि आपको इस पूरी स्टोरी में सबसे अच्छी जो चीज थी वो क्या लगी, और फिर आपने उसकी पिक्चर ड्रॉ करके मुझे सेंड कर दी. ओके, अगर आपको कोई चीज होगी जो आपको नहीं पता चलेगा आपने मुझसे पूछ. सो डू यू वर्क वेरी केयरफुली.